नमस्कार, मैं आपके होस्ट उल्डी गुल्डी फ्रॉम सिंपल कुकिंग। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ, यानी है वो भाकरी ही, लेकिन ये हमारे शहरों में या घरों में नहीं बनने वाली। आदिवासी पाड़ा जो रहता है, जैसे बुल्ढणा के पास चिखली में मैं थी, और चिखली के पास लोणार जो छोटा सिटी है, जो बहुत फेमस है वहाँ के क्रिएटर के लिए, तो मैं वहाँ पर पढ़ाती थी। तो वहाँ आजू बाजू आदिवासी और ये किसान लोग बहुत रहते थे। तो वहाँ मसाला भाकरी, पाड़ेवर की भाकरी वो बनाते थे और लोगों को बुलाकर खिलाते थे। उसके साथ बैंगन का भरता भी रहता था कभी कभी। तो उसमें खेतों में जो औषधि सब्जियाँ उगती है हरी, पानी के दिनों में, वो सब्जी को काट कर रागी या ज्वार के आटे में डाला जाता था और उसमें एक मसाला डाला जाता था और उसकी भाकरी बनाते थे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा सामान। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये रागी का आटा लिया है, ये ज्वार का आटा है, इसमें थोड़ी सी हल्दी, वो लोग हल्दी डालते हैं, और ये जो है ये हरा मसाला है, हरी मिर्च, धनिया, लहसुन और जीरा और नमक, ये चार चीज़ें डालकर वो पीस लेते थे सिलबट्टे पे। ये हींग मैंने डाला, वो हींग विंग कुछ नहीं डालते हैं। ये नमक और ये तिल्ली मैंने डाली है, वो तिल्ली वगैरह कुछ नहीं डालते। और मैं घी का यूज़ करती हूँ, उनके वहाँ घी होने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो ये अभी हम क्या करेंगे, ये मैं गिन लेती हूँ। तो ये मैंने एक कप आपके सामने रागी का आटा लिया है, इसके साथ साथ मैं ये ज्वार का आटा भी ले रही हूँ। ये भी हम गिन के लेंगे। अब ये भी आटा मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने थोड़ा सा ये पानी गरम करके रखा है, क्योंकि गरम पानी से हम इसको भिगाएंगे। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा नमक, और मैं तिल्ली डालती हूँ हमेशा, क्योंकि अर्थराइटिस और वात वालों के लिए तिल्ली बहुत अच्छी रहती है। वो लोग हल्दी डालते हैं तो मैंने भी हल्दी डाली, और हल्दी के साथ साथ गैस ना हो जाए इसीलिए ही, क्योंकि हम लोग उनके जैसे खेतों में मेहनत नहीं करते हैं, यहाँ से खाना खाने के बाद बिस्तर पर सो जाते हैं। अब ये है हरा मसाला जो मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब ये हो गया। अब इसमें मैं थोड़े से, मैंने हरी मेथी काट कर रखी थी, क्योंकि मेरे को तो कोई सब्जी अभी मिली नहीं, तो मैंने मेथी ही ली है। अब क्या करती हूँ, और मैं इसमें एक चम्मच घी में डालने वाली हूँ। अब मैं पहले इसको मिला लेती हूँ। ये गुनगुना पानी है, ये जितना लगेगा उतने से ही मैं आटा गूंथ लूंगी। क्योंकि अगर ये आटा ढीला गूंदा तो क्या हो जाता कि इसकी भाकरी हम थेप नहीं सकते हैं फिर, तो इसे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना पड़ता। इसमें चिकास कुछ रहती नहीं है, तो भाकरी बनाते समय भाकरी के बॉर्डर को थोड़ा 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 क्रैक जाता है, और मेरा तो जाता ही है, पर भाकरी खाने में अच्छी लगती है इसलिए मैं इसे बनाती ही हूँ। रोज की भाकरी बहुत चिकनी होती है, लेकिन ये रागी का आटा बनकर जब ये हो जाता है तो वो इतना चिकना नहीं होता है। तो जितना अभी मुझे लगा है उतना ही पानी मैं ले रही हूँ, और इसको कैसे मलते हैं ये मैं आपको एक बार बताऊँगी, फिर मैं इसको अच्छे से मल लूंगी और आपको बताऊंगी। ये ऐसे इस तरीके से इसको मला जाता है।
जैसे आप मलोगे ये एकदम एक साथ हो जाता है आटा। ये आटा मेरा हो गया है अच्छे से। अब मैं इसमें एक चम्मच घी और ऊपर से डालूंगी और इसकी अब मैं आपको भाकरी थेक कर बताऊंगी। ये अपने आप चिकना हो गया क्योंकि हमने इसको अच्छे से गूंथा। ये इतना ही घी मैंने डाला है। घी डालने के बाद ये अपने आप चिकना हो जाता है। और हमें इसका उपयोग ये होता है कि जब हम खाते हैं हमारे अतड़ियों में से ये जो आटा है आराम से निकलता है, अपने को कोई तकलीफ इसकी नहीं होती। तो अब इसका एक दो और ये तीन रोटी बनेगी। मैं भी आपको वो रोटी बनाकर दिखाती हूँ। मैं बहुत बड़ी रोटी बनाने वाली नहीं हूँ तो छोटी छोटी रोटियां हम बनाएंगे। अभी मैं थेप लेती हूँ और यहां पर तवे को गर्म करने के लिए रख देते हैं। खाने के लिए ये रोटी बहुत, ये भाकरी बहुत स्वादिष्ट लगती है और पेट तो भरता ही है, सवाल ही नहीं। इसके साथ आप कुछ भी खाओ या फिर कुछ मत खाओ, वैसे ही खा लो। अचार है तो अचार खाओ। तो ये पाड़े पर की भाकरी इसे बोला जाता है और ये खिलाने के लिए वो लोग बुलाकर आपको खिलाते हैं। और चूल्हे पर ये भाकरी बनती है तो वो स्मोकी फेल स्मेल जो रहता है चूल्हे का वो बहुत अच्छे से आता है। ऐसा तो हमारे भाकरी में नहीं आएगा। इसको उठाकर मैं तवे पे,
ये भाकरी बन जाती है तब तक मैं आपको इसके साथ खाने के लिए जो चटनी मैंने बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कल के वीडियो में दही की मूंगफली के भुने मूंगफली की चटनी दिखाई थी, सजन फल्ली की दाल और कारड़े की चटनी बताई थी कल मैंने, तो वो आज मैंने उस भुने मूंगफली की चटनी का उपयोग कर लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दही लिया है, दही में शक्कर और नमक डाल दिया और उसको फेंट लिया और उसके साथ ये भुने हुए मूंगफली की चटनी इसमें मैंने डाली और थोड़ा सा हरा धनिया डाला और मेरी चटनी तैयार हो गई। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ और ये दूसरी भाकरी मैं तवे पर डालती हूँ। अब हम हमारी ये भाकरी हो जाएगी गरम गरम, वैसे ही हम इसे अच्छे से हमारी प्लेट खाने की प्लेट हम सजाएंगे। ये भाकरी आप नाश्ते में भी खा सकते हो, बच्चों को भी खिला सकते हो, क्योंकि ये ऐसा है कि ये एकदम ग्लूटेन फ्री डाइट वालों के लिए, डायबिटिक वालों के लिए, सभी के लिए ये भाकरी बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। ये जो मैंने पहले भाकरी बनाकर रखी थी, भाकरी और मेरी ये दही की चटनी, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री इसलिए है कि हमने इसमें ज्वार का यूज़ किया है, हमने रागी का यूज़ किया है, मैदा गेहूं का आटा कुछ भी नहीं, और लगाने के लिए भी मैंने ये ज्वार का आटा ही लिया था। तो ये देखिए अभी हमारी अच्छी भाकरी तैयार हो गई है और हमारा खाना भी बन गया। अब ये आप सवेरे के नाश्ते के लिए पाड़े भर की भाकरी बनाकर दे सकते हो, या फिर आपको खाना है तो आप इसके साथ सादी दाल घी ये भी खा सकते हो। अब जो उनका खाना है वो मैंने आपको बताया है, खाना हम हमारे हिसाब से खा सकते हैं। तो ये देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है, हमारी थाली कितनी अच्छी सज गई है, बहुत अच्छी हमारी ये भाकरी बन गई, एकदम गरम गरम भाकरी। और वहाँ पर वो ये जो भाकरी बनाते हैं चूल्हे पर एकदम कड़क भाकरी बनाते हैं, तो बिस्किट जैसी उनकी भाकरी कड़क होती है, मेरा कुछ हुआ नहीं है वैसे, सिर्फ मैंने बताया है आपको। तो धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी, आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर जरूर कीजिएगा। मेरा हमेशा का फंडा, बनाइए खाइए खिलाइए आपके उल्टी गुंडी को, अच्छे अच्छे कमेंट्स जरूर जरूर भेजिए, हमेशा का ही फंडा। क्यों मैंने ये रेसिपी बताई, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, डायबिटीज वालों के लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी है। हमने जो चटनी बनाई है वो भी डायबिटीज वाला, जिम वाला, फिर ग्लूटेन फ्री है तो घर के सभी लोग खा सकते हैं, और बच्चों को फिर ये तो बिस्किट और पूरी देने के बजाय ये तो अच्छा ही है। तो धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी देखी।